आपको तो उठने बैठने में दिक्कत नहीं है ना, तो अपने एक बार उठने के बाद बैठ जाया करो। शशि थरूर जी की तो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जवान मान रहे, अच्छी बात है सर, आपकी नजर हम पे बहुत है सर। लोकसभा के सदस्यों की ओर से प्राइवेट बिल पेश किए जा रहे थे। स्पीकर ओम बिरला सदस्यों को बारी बारी से नाम से पुकार रहे थे और सदस्य बिल को लोकसभा में औपचारिक तौर पर पेश कर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद का नाम भी स्पीकर ने पुकारा। नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे चंद्रशेखर ने ST/ST कैटेगरी के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल से संबंधित बिल पेश किया। संसदीय अनुशासन के मुताबिक सदस्य का नाम जब चेयर से पुकारा जाता है तो वह अपनी सीट से उठकर विधेयक नाम लेते हैं। इसके बाद स्पीकर की ओर से इस पर राय शुमारी कराई जाती है। हां में जवाब आने के बाद संबंधित सदस्य को बिल को पेश करने को कहा जाता है। इस दौरान मेंबर को अपनी सीट पर बैठना होता है। चंद्रशेखर ने ऐसा नहीं किया। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें संसदीय नियमों, परंपराओं और अनुशासन का पहला पाठ पढ़ाया। देखिए पूरा वीडियो। आप तो जवान हो, आपको तो उठने बैठने में दिक्कत नहीं है ना, तो अपने एक बार उठने के बाद बैठ जाया करो। शशि थरूर जी की तो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जवान मान रहे, अच्छी बात है सर, आपकी नज़र हम पे बहुत है सर। आइटम नंबर 32 एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद सर। महोदय, मैं प्रस्ताव करता कि निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा उसके संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष व हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य अब विधेयक को पुरस्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूँ। आइटम नंबर 33 एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में सभी बालकों व वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के निशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की स्थापना करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य अब विधेयक को पुरस्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूँ।